अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। सर बताइएगा, मुलाकात आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, क्या डिस्कस हुआ है इस मुलाकात में? देखिए, हम पार्टी के लिए आए थे। हम आपको पता है कि हम एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा कल्चर ये है कि जब भी कोई इस किस्म की होती है तो हम आपस में एक दूसरे के साथ गमी उसमें मिलते हैं। तो ये पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए आए थे। ना हमारे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस हुए, ना हमारा एजेंडा था। नहीं, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, ये तो इसमें तो कोई पार्टी की सियासी हरीफ के पास आए नहीं, हरीफ नहीं। हम बेसिकली हम देखें, हम खैबर पख्तूनख्वा के सारी जो जितनी है ना, हम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जो है ना एक इसको एक समझते हैं कि जब इस किस्म की होती है तो हमारे कल्चर में है कि हम एक दूसरे की खुशी में शामिल। सर, आइंदे इलेक्शन में कोई उसके हवाले से कोई बातचीत हुई है? तहरीके इंसाफ को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, ऐसी बातें हो रही हैं। तो मौलाना साहब का मौकफ है कि तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है? कोई हमारे ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ है और बहाल ये मौकफ तो काबिल सताइश है, वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी कोई इस किस्म की डिस्कशन नहीं हुई। आइंदा कोई मुलाकातें होंगी? देखिए, इस वक्त तो हम पॉलिटिकल पॉलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आए थे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है फातिह के लिए आए। देखिए, हमारी अभी आपस में डिस्कशन हो रही है, जब तक चेयरमैन साहब जो हमें इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक जो है ना फिर हम अपनी पॉलिसी। और इस मुलाकात में इमरान खान की मर्जी शामिल थी? देखिए, पार्टी के लिए आए तो इसमें इमरान खान की मर्जी, हम सबकी मर्जी शामिल थी इसमें।